ये किस किस्म की ज़हनियत? बकौल दुदाना आंटी की, ये पुराने रस्म रिवाज बहुत जरूरी होते हैं और एक अच्छी जिंदगी की अलामत है। लेकिन बेटा, ये तो 40-50 लाख रुपए का सामान होगा, ये पैसे आएंगे कहाँ से? रूफी बेटा, हरीम को फिलहाल मत बताना, बहुत खफा हो। मुझे आपसे मिलना है, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। जहे नसीब, खुशकिस्मती किसी के दरवाजे पे दस्तक दे तो इंसान हाथ छुड़ाने ऐसा कोई अहमक शख्सी हो सकता है। बात यह है कि आपकी वालदा के जहन में कुछ ऐसी बातें जो कि मेरे ख्यालात से बहुत मुख्तलिफ हैं। वो इस शादी को किसी और नज़र से भी देख रहे हैं। क्या तब मैं कुछ समझा नहीं, क्या कहना चाह रही? नासिर साहब, मेरे वजूद के साथ जहेज का कोई मुतालबा नहीं होगा। ये कौन है? हमें और शगुफ्ता तो अभी नहीं आ सकते। जाने किस खानदान की लड़की है, कैसा खून है, वरना अच्छे माँ बाप की औलादों के ऐसे तौर तरीके हरगिज नहीं होते। उरूज का मकसद सिर्फ सलमान की दौलत हासिल करना, जिस तक पहुँचने के लिए उसने अपने परपुर्जे निकाल लिए। तुम्हारे ताया से अगर मेरी बात ना हो ना, एक घंटा भी गुजर जाए तो मुझे चैन नहीं मिलता। आप इतना प्यार करती हैं ताया जान से? सच तो ये है कि इदरीस मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आप तो दो नंबर रखते हैं ना? नहीं, एक ही नंबर है। ओहो, फिर तो बड़ी कंफ्यूजन हो जाती होगी। जब पहली का फोन आता होगा तो आप दूसरी का नाम ले लेते होंगे, और दूसरी फोन करती होगी तो पहली का नाम लेते होंगे। इदरीस फोन उठाए ना, मेरा दिल इतना परेशान हो रहा है, ये मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? यानी कि आप डील के लिए तैयार हैं? अगर मैं इनकार कर दूं तो? तो ना का ऑप्शन नहीं है आपके पास, सोच लें, आपकी मर्जी है। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? आपने मेरा बहुत कुछ बिगाड़ा है, और आप जानते हैं कि बिगाड़ का बदला तो बनता है। इस फाइल में जो कुछ भी है वो एज इट इज तुम मानोगे, और इस हवाले से कोई सवाल नहीं करोगे। और कुछ? और किसी बात से इनकार नहीं करोगे मुझे? तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया। हमारे प्यार मोहब्बत खुलूस में क्या कमी रह गई थी जो तुम ये सब कर रही हो? बदनाम करके रख दिया पूरे खानदान को, किसी के साथ आंखें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा तुमने। वापस क्यों आई हो तुम? कुछ तो शर्म होती है। अगर हमारी इज्जत का ख्याल नहीं था तो कम से कम अपने मरे हुए माँ बाप की इज्जत का ख्याल कर। अल्लाह का शुक्र है ये दिन देखने से पहले वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। मुझे नहीं पता, लेकिन जो कुछ भी आज मैंने देखा सुना, हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कभी तुम्हें जाना ही नहीं। तुमने आज सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। अपना और मेरे दरमियान का खूबसूरत रिश्ता, इस घर का सुकून,
मेरी माँ का एतबार और हमारी इज्जत। क्या हुआ मुझको, सब ठीक? वो अफनान रमशा की चची का फोन था। हाँ तो क्या कह रही थी वो, सब खैरियत है ना? वो शानी ने रमशा को डिवोर्स कर दिया है। सलमान बार बार माफिया मांग रहा था, कह रहा था मुझसे गलती हो गई, मुझको माफ कर दो, एक और मौका दे दो, मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को उसका हक दूंगा, तुम्हारे साथ कभी भी कोई भी ज्यादती नहीं करूंगा। तो पर तुमने क्या सोचा? मैं यहाँ नहीं रह सकती, या तो आप मुझे अम्मी के पास छोड़ के आए या अम्मी को यहाँ लेके आए। पागल हो गई सारे घर में, जिसको देखो घर से भागने की पड़ी है। खैरियत है? कोई खैरियत नहीं है अब्बा, ये क्या हो रहा है घर में? देखिए अगर आप मुझे नहीं छोड़ के आएंगे ना तो मैं खुद चली जाऊंगी। मैंने तुम्हें तो चीख चीख कर कहते थे कि इसे नौकरी करवानी है, एटीएम बनाना है, अब जरा सी बुराई है तो कैसे हाथ झाड़ के पीछे खड़े हो गए हो? हाथ झाड़े यार, जा माफी मांग उसे पैर पकड़ के। कितना घटिया आदमी है तुम बिजी हो मेरे, तुम्हें मेरी ताबेदार बन के रहना पड़ेगा, मेरी वफादार बन के रहना पड़ेगा। केस की तमाम तफसीलात सुनने और सबूतों को देखने के बाद ये अदालत ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत मायरा राशिद। कैसे मांगू टूटे तारे से दुआ। मेरी बात मैं नहीं सुननी तेरी गल, अपनी राम दी सुन। कहंदी है तेरी बहन नु पागलखाने जमा कराना है, नवा प्लान ही अदा। मेरा वो मतलब नहीं था, यू अंडरस्टैंड ना, मैं सेकंड से उसकी बात कर रही थी, बस दैट्स इट। अभी तुम ऊपर जाओ। यार मैं कह रहा हूं ना तुम ऊपर जाओ। मुझ पर क्यों चीख रहे हो? मैंने कोई गलत बात नहीं की है। यू नीड अ साइकेट्रिस्ट टू। अम्मी बताएं इसे, मेरा बाप जैसा भाई जिंदा है, मेरी माँ जिंदा है, तुम्हारी तरह यतीम मस्कीन नहीं हूँ मैं। और तेरी ज्यादा जबान नहीं चल रही है? यतीम मस्कीन हूँ और मेरा कोई कसूर नहीं है सब में, तेरे भाई का मुराद। चुप पकार जा, जीउंदा रहे ओदा भाई, लड़ी जान डे हो तुसी। अब आ गए हो तो फिर इसी घर में रहना है के और कहाँ जाना है? रहो। सीधे मैं कहता हूँ ये नुकसान होता है जल्दी में किए गए फैसलों का। आज शादी हुई, दो दिन में ही पता लग जाता कि एक दूसरे के लिए बने ही नहीं। वे ऐसे रिश्तों को घसीट के चलाने से बेहतर है कि भैया खाना खाने ठंडा हो रहा है।